खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे जरा कश्मीर के आतंकवादियों की डेफिनेशन दीजिए। देखिए, आतंकी बुरान वानी पर दो शब्द कहिए। पूरे भारत में आतंकी हैं, जरा कश्मीर से शुरुआत करते हैं। कश्मीर का आतंकी बुरान वानी, माजिद साहब शुरू हो जाइए। कश्मीर का आतंकी बुरान वानी, कश्मीर में आतंक नहीं है। ओ, कश्मीर में अगर आतंक है, कश्मीर में आतंक नहीं है और पूरे भारत में आतंक है। कम ऑन माजिद अहमदी, कम ऑन। हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा पार कर दी आपने। कभी आपने चाइना आम कर दिया और कहते कश्मीर में आतंकवाद नहीं है, ये आप कहते हैं। बुरान वानी के बारे में बोलिए, पहली बार भी सवाल पूछा था, आज भी सवाल पूछते हैं। बुरान वानी कौन था? पहले भी पूछा, आज भी पूछता हूँ, बताइए। बुरान वानी हजारों बच्चों को मजबूर कर दिया आपने बंदूक उठाने पे। सवाल पूछना बच्चे को मजबूर कर दिया बुरान वानी उठाने पे। आज फिर पूछूंगा कौन है बुरान वानी? अरे खुद कौन है कि हम आतंकवादियों के सरदार है जनाब? खुद कहो, आतंकवादियों के गुरु है आप, बेगुनाहों के कातिल है आप। बच्चों को, अरे कश्मीर को छोड़िए, पीओके को लेके रहेंगे, याद रखिएगा। अपने कश्मीरियों को हमेशा पराया समझा। अरे पीओके रहेंगे, याद रखिएगा। देखिए, अगर आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद की घाटी में अगर शुरुआत होगी तो उसमें देखना तो सही। अरे देखना, अब क्या किया, अब क्या किया? 370 धारा हुडी क्या किया आपने? बढ़िया धमकियां देते थे, झंडे नहीं तिरंगे लड़ाए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से झंडे नहीं। अब क्या क्या किया, क्या हुआ, क्या किया? बोलिए, कल सुबह बोलने के अलावा किया क्या? अब पीको पीओ के लेके रहेंगे ना? अरे अरे किया क्या बताओ? 370 धारा के बाद क्या किया आपने? क्या किया आपने? हमला होगा। अरे ये नहीं होता, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, प्रथम राष्ट्र को, ये कोई तरीका है? सिख सिख की बात करेगा, मुसलमान मुसलमान की करेगा, हिंदू हिंदू की करेगा? ऐसे देश नहीं बचता जनाब। देश बचता है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना है। ये जलने वाला भाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने जनरल डायर की गोलियां खा के इस देश को बनाया था जनाब, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग में कोई गोडसे नहीं था, कोई आरएसएस नहीं थी। ठीक है, आरएसएस और गोडसे की बात कौन कर रहा है? आपको क्या दिख रहा है बिट्टा साहब? क्या दिख रहा है आपको? जानते भी हैं बिट्टा साहब के बारे में आप? आरएसएस और गोडसे कहाँ से आ गया? आरएसएस और गोडसे यहाँ पर, अगर इनसे आपको नापसंदगी है ना, आपको एतराज है, तो रखिए ना, कोई परेशानी नहीं है। हर एक को आप आरएसएस और गोडसे कैसे बना देते हैं? 15 मार्च हर एक को कैसे बना देते हैं? हर एक को कैसे बना देते हैं? तो बीजेपी अरे खून के नतनत में है, वंदे मातरम पिटापाजी मेरे प्राण। बीजेपी ओ पिटापाजी, तुसी मुसलमान का याद रखिए। या ना शर्म आएगी ना माजिद एदरी साहब, आपको तो प्रथम राष्ट्र बोलने में शर्म आएगी। माजिद एदरी, आपको जय हिंद बोलने में शर्म आएगी। वंदे मातरम, आपको भारत माता की जय बोलने में शर्म आएगी। मैं सरदार हूं, मुझके सबसे पहले वंदे मातरम बोल करो, बोल के दिखाइए। बोलिए वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मुसलमान इतिहास काल ने मेरे को पाप लगेगा, मेरे को धर्म का पाप लगेगा। मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरे धर्म के खिलाफ है। क्या बोल तेरे वंदे मातरम बोलने से? अरे मेरे धर्म के खिलाफ है, करोड़ों लोग धर्म के खिलाफ है। हमारे नतरत में तो सारे जान से अच्छा कहूंगा, मगर वंदे मातरम नहीं कहूंगा। एक शेर सुनना, मन में बंदे मात्र बंदे मात्र कहने मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं तो चाहता हूँ वाला महिमा ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो 70 साल पहले उन्होंने कहा था, ये बंदे मात्र मन करो हमारे साथ मुसलमानों के साथ। बंदे मात्र हर दिन आप यही ड्रामा करते हो मुसलमानों के साथ, कभी भारत माता की जय को, कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो सरदार होंगे, फक्र है मुझे पर वंदे मातरम। अरे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता हिंदू। अरे मुझे मुसलमान होने पर क्यों फक्र है? हिंदुस्तान हमारा बोलो ना,
हिंदुस्तान हमारा हिंदी है, बोलो ना, मजहब नहीं, बोलो ना, मजहब नहीं सिखाता, हिंदी है, हिंदू नहीं है, आगे खत्म, हिंदू नहीं है, आगे खत्म, मेरे से पूछो, हिंदी है, हिंदी है वतन के, हमारे से ज़रूर बता दो, हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, बहुत खूब, बोलो, माजिद साहब रहने दीजिए, अब नहीं हो पाएगा।